लखनऊ सुपर जायंट्स की हार पर अपना आपा खो बैठे टीम के ओनर संजीव गोयनका। मुकाबले के बाद गौतम गंभीर और कृणाल पांड्या पर जमकर अपना गुस्सा निकालते हुए उन्होंने जो बयान दिया है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार हार के बाद संजीव गोयनका ने क्या कहा है, किसे निकालने की दी है धमकी, दिखाएंगे उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच एक बड़ा ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में चैंपियन की तरह खेली। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 81 रनों से रौंद दिया। बता दें, खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने लखनऊ के सामने 183 रनों का लक्ष्य रखा था और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स 101 रन पर ही ऑल आउट हो गई। नतीजा ये रहा कि एक बार फिर से एलिमिनेटर मुकाबले में हार कर लखनऊ सुपर जायंट्स को बाहर होना पड़ा। इस मुकाबले में टीम के मेंटर गौतम गंभीर और कृणाल पांड्या का डिसीजन बड़ा ही हैरान करने वाला था। एक अहम मुकाबले में उन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक को बाहर बैठा दिया और युवा बल्लेबाज प्रेरक मांकड से ओपनिंग कराई, जिन्होंने अब तक कुछ खास नहीं किया था। लखनऊ सुपर जायंट्स की शर्मनाक हार के बाद उनके मालिक संजीव गोयनका काफी गुस्से में नजर आए। मुकाबले के बाद उन्होंने गौतम गंभीर को काफी कुछ सुनाया भी और अब उन्होंने बयान देकर सनसनी मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, संजीव गोयनका ने बयान देते हुए कहा, आप मुकाबला हारो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हथियार डाल देना गलत बात है। हमारी टीम ने इस मुकाबले में बड़ा ही शर्मनाक खेला, मुझे टीम मैनेजमेंट के फैसले बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। एक अहम मुकाबले में अहम खिलाड़ी को बिठाना बिल्कुल भी गलत है। गौतम गंभीर और कृणाल पांड्या को सोचना चाहिए था कि महत्वपूर्ण मुकाबले में किस तरीके से डिसीजन लेना होता है। अब टीम में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारी टीम ने दोनों ही साल अच्छा खेल दिखाया, लेकिन अब हमें आगे की सोचना होगा। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद के मालिक संजीव गोयनका काफी गुस्से में दिखाई दिए। टीम मैनेजमेंट के फैसले पर वो काफी गुस्से में थे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वो आगे क्या फैसला लेते हैं। वहीं मुंबई इंडियंस अब मुकाबला जीतकर गुजरात टाइटंस से टकराने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस साल के आईपीएल में कौन सी टीम बनेगी चैंपियन, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस या फिर चेन्नई सुपर किंग्स? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।